दोस्तों, अलग अलग देशों की खुफिया एजेंसियां अपनी बॉर्डर्स की सुरक्षा को लेकर हमेशा सतर्क रहती है। टेक्नोलॉजी के लगातार विकसित होने के साथ हथियार भी अब शायद पहले से कहीं ज्यादा एडवांस हो गए हैं। अटैक के सबसे हालिया रूपों में से एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स अटैक, जिसे EMP अटैक भी कहा जाता है, जो बुनियादी ढांचे को अस्थिर करने और पूरे देश के विकास को रोककर उन्हें दोबारा स्टोन एज की ओर ले जाने की ताकत रखता है। ऐसे में अगर ऐसा कोई हमला हम पर होता है तो क्या हम खुद को बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। चलिए सबसे पहले जानते हैं EMP अटैक क्या है। EMP अटैक हाई एल्टीट्यूड न्यूक्लियर विस्फोट का इस्तेमाल कर जानबूझकर किया गया अटैक होता है, जो पारंपरिक युद्ध सामग्री या नॉन न्यूक्लियर निर्देशित एनर्जी डिवाइसेस में माहिर है। इस्तेमाल किए गए हथियार की खास विशेषताओं और हमले की विधि के आधार पर इसका असर लोकल से रीजनल और महाद्वीपीय तक के पैमाने पर अलग अलग हो सकता है। हाई एल्टीट्यूड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स अटैक्स या HEMP परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करके किए जाते हैं और ये गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि उसमें नेशनल ग्रिड और दूसरे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल सिस्टम्स के सेक्शन को परमानेंटली नुकसान पहुंचाने की ताकत होती है। वैसे हाई एल्टीट्यूड EMP अटैक से होने वाले नुकसान के नतीजे तय नहीं है। संभवतः ऐसा EMP इफेक्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस प्रभावित रेंज के बारे में कम जानकारी की वजह से होता होगा। हालांकि कुछ ग्रिड्स को रिस्टोर करना मुमकिन हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना नहीं कि कोई राइवल यानी प्रतिद्वंदी EMP अटैक को विनाशकारी और किसी भी इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्स के लिए अयोग्य मानेगा। अब जानते हैं कि EMP अटैक का क्या असर होता है। एक मामूली EMP अटैक की वजह से लो लेवल्स के इलेक्ट्रिक शोर या किसी तरह का इंटरफेरेंस हो सकता है। ये रेडियो और TV सेट जैसे डिवाइसेस के ऑपरेशन पर असर डाल सकता है। एक मिड वोल्टेज EMP अटैक इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज से एक चिंगारी लगा सकता है। ये चिंगारी फ्यूल एयर एक्सप्लोजन्स का कारण बन सकती है, जिसे एहतियात के तौर पर रोकना जरूरी है। एक बड़ा और हाईली एनर्जेटिक EMP विक्टिम यूनिट में हाई करंट्स और वोल्टेज को ट्रिगर कर सकता है, जो इसके काम में अस्थायी रूप से रुकावट पैदा कर सकता है या इसे हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। एक भयानक EMP में इतनी ताकत होती है कि वो मैग्नेटिक मटेरियल्स को सीधे तौर पर प्रभावित करने के साथ मैग्नेटिक टेप्स और कंप्यूटर हार्ड ड्राइव्स में स्टोर डेटा को करप्ट कर सकता है। हालांकि हार्ड ड्राइव को हैवी मेटल कवर द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है, कुछ IT एसेट्स मैग्नेटिक डेटा को मिटाने के लिए कंट्रोल EMP का इस्तेमाल करती है। वही बहुत बड़ी EMP घटना जैसे कि बिजली गिरना या हवा में विस्फोट होने वाला परमाणु हथियार भी हीटिंग इफेक्ट्स या लार्ज मैग्नेटिक फील्ड के विघटनकारी असरों के माध्यम से पेड़ों, इमारतों या विमानों को नुकसान पहुँचाने की ताकत रखता है। इसके बाद एक इनडायरेक्ट इफेक्ट जो हो सकता है वो है गर्मी की वजह से होने वाली इलेक्ट्रिकल फायर्स। क्या EMP हमले का इंसानों पर असर पड़ सकता है? इसका जवाब हम बताते हैं। दरअसल EMP इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स के अंदर जमा होने के लिए जाने जाते हैं और आमतौर पर ये इंसान या जानवरों के शरीर में प्रवाहित नहीं होते, इसलिए उन्हें सुरक्षित माना जाता है। हालांकि कुछ EMP हैं जो मानव शरीर को प्रभावित करने के काबिल होते हैं, जिसमें संभावित साइड इफेक्ट में सेलुलर म्यूटेशंस, नर्व सिस्टम डैमेज, आंतरिक जलन, ब्रेन डैमेज और सोच के साथ मेमोरी से जुड़ी अस्थायी समस्याएं शामिल है। अगला सवाल ये आता है दिमाग में कि क्या EMP के खिलाफ कोई रक्षा तंत्र है जिसे अपनाया गया है? तो इसके लिए पोर्टेबल गैस और इलेक्ट्रिक जनरेटर को फैराडे पिंजरों के अंदर रखने या उन्हें पूरी तरह से कंडक्टिव मटेरियल में बंद करने से संभावित EMP नुकसान को रोका जा सकता है और जरूरत पड़ने पर उनकी अवेलेबिलिटी सुनिश्चित की जा सकती है। रेडियो, सेलफोन और इसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी EMP असर के प्रति संवेदनशील माने जाते हैं, इसीलिए उन्हें EMP डैमेज से बचाना बेहद खास बन जाता है।
तो क्या आपको लगता है कि एएमपी अटैक सैन्य युद्ध का भविष्य होंगे जो देश को अस्थिर कर देंगे, या फिर क्या ये सिर्फ कुछ ऐसा है जिसे लोगों को मंत्रमुग्ध करने के लिए साइंस फिक्शन मूवीज में शामिल किया गया? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।